सत्तलगीर समाचार देख रहे हैं और कश्मीर से मैं हूं आपका मेजबान उमर अफजल। नाजरीन, लगातार हम आपको कश्मीर से अपडेट देते हैं और इस वक्त मैं इंद्रकूट सुमल बांडीपुर में मौजूद हूं और यहां पर आज जो है अली फाउंडेशन की जानिब से एक सबील कायम की गई है जिसमें हम देख रहे हैं कि रजाकाराना तौर पर जो है नौजवान लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त आप बराह रास्त देख भी सकते हैं कि नौजवानों की अच्छी खासी तादाद जो है इस सबील में जुड़ी हुई है और लोगों को जो है पानी फराहम करती है। हम इसे शबीर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दा मकसद है इन सबील को कायम करना और कहां कहां पे ये सबील जो है वो कायम की जाएंगे। शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपने इंद्रकूट संभल में ये जो है सबील कायम की है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इमाम हुसैन के लिए खिदमत का मौका मिल रहा है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमें ये खुशकिस्मती है। तो कल आपने वंगीपुरा में जो है बांडीपुरा श्रीनगर रोड पे जो है सबील कायम की थी, आज इंद्रकूट में, तो आगे जाके आप कहाँ कहाँ पे जो है सबील जो है वो काम करने जा रहे हैं? कल हम रात को गए थे बेमिना में, हम वहाँ से आसपास 11:30 वापस आए। वहाँ कल हमने किया है बेमिना खुमानी चौक में, आयतुल्ला यूसुफ वहाँ इमामबाड़ा है। कल हमारा प्रोग्राम है श्रीनगर में रात को और दिन में अलमगरी बाजार में। तो इंशाल्लाह 8 तारीख को हमारा श्रीनगर में, 9 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है वो बारामूला दिलना में है, 10 तारीख को जो योम अशूरा है वो सुनावारी में है और 11 तारीख को हमारी ब्रेक है, 12 तारीख को हमें डांगरपुरा जाना है, 13 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है वो उड़ीना सुनावारी में है और 4th का जो प्रोग्राम है वो हमें सुल्तानपुरा में है। तो हम देख रहे हैं कि आप सबील कायम कर रहे हैं, तो मुद्दा मकसद क्या है इन सबील को और क्या मैसेज जाती है इस सबील कायम करने के लिए? यही मैसेज जाती है कि करबला में जो प्यासे शहीद किए गए हैं उसमें सबसे कम सिन बच्चा था अली असगर, जो 6 माह का बच्चा था कि जिसको प्यासा मारा गया है, उसके याद में हम ये सबील करते हैं और इसमें हमें जो पार्टिसिपेट करता है अली फाउंडेशन नीमच एमपी की तरफ से और नालवाला फाउंडेशन हमें इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने शबीर साहब की जुबानी सुनी कि अली फाउंडेशन और नलवाल फाउंडेशन की जानिब से ये सबील जो है वो कायम किए जा रहे हैं। मैं लोकल से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, एक मकामी नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम? शौकत। सबील कर्म तो क्या मैसेज इन तरफ मैसेज करबल शहीद इंदे मूजूब वनान तमें शहीद गई इमाम हुसैन तम सदे नाव आमुत सबील कर यथ मज तो नौजवान वो तमें कि नौजवान यथ मज रजाकाराना तौर पर यथ मज शमूलियत कर क्या वन ये वन क्या वन सवाब मतलब अत क्या वन अस मकसद अमुक मकसद मतलब इमाम मैसेज सेटा सेटा शुक्रिया ऐसे कात करने खातर। तो नाजरीन, आपने खुद ही सुना कि जो है यहाँ पर जो है सबील कायम की गई है और मुख्तलिफ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले दिनों में जो है ये सबील कायम की जाएंगी और जो है कल श्रीनगर में हो गई और इसी तरह सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में ये सबील जो है आने वाले दिनों में कायम की जाएंगी। क्या कुछ मजीद अपडेट्स रहेंगी मुहर्रम के हवाले से, वो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए कश्मीर से ज्यादा, बने रही है सत्य लकीर समाचार के साथ।